बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार जी। देखिए सबसे पहला तो सवाल, हालांकि मीडिया वाले बहुत क्रिटिसाइज होते हैं सवाल को कि कैसा लग रहा है किसी से हम पूछते हैं, तो अब ये आप, लेकिन आपसे मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो आप सेटल हो गए, क्योंकि वो दौर था, अब तो तमाम चीजें, क्योंकि अब शासन चलना शुरू हो गया उस तरीके से, तो कैसा अनुभव है इतने चंद दिनों का ये अनुभव? देखिए सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, उत्तराखंड की जनता का, सबका मैं आपके इस महाधिवेशन के अवसर पर उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। और जहाँ तक लगता है कि कैसा लग रहा है आपने मुझसे पूछा जी, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 4 तारीख को ये कार्यभार संभाला है, दायित्व संभाला, दायित्व की जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से लेकर आज तक जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर और देश भर के अंदर जो हमारे मित्र, शुभचिंतक, चाहने वाले और जुड़े हुए पार्टी से या अन्य संस्थानों से, सब लोगों ने जिस तरीके से पूरा अपना स्नेह उन्होंने प्रदान किया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी है, उससे मेरे अंदर एक दायित्व का बोध और जिम्मेदारी का जो एक बोध होता है वो ज़्यादा हो गया है कि, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी अपेक्षाएं और इतनी जो आशाएं और जितनी भी मेरे से जो है उनकी एक तरह से एक्सपेक्टेशन है जी, उस पर मैं खरा उतर सकूं। जी मुख्यमंत्री जी, आप छात्र नेता भी रहे हैं और छात्र नेता से आप नेता बने और पूरे उत्तराखंड में आपने कहा जैसे देश भर से आपको शुभकामनाएं मिली, तो आपके छात्र जीवन के कई साथियों से मिलना हुआ, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके साथी हो, चाहे उत्तराखंड के साथी हो, सबका यही कहना था कि पुष्कर सिंह धामी बहुत तेज तरार हैं, अच्छे से बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, मतलब ज्यादा बोलने से नहीं है, लेकिन अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। लेकिन सबको एक शिकायत, और मुझे भी ये शिकायत है, जब से आप मुख्यमंत्री बने आपने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया है, तो सब मतलब ये क्या, ये तो ज्यादती हम लोगों के साथ, बताइए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बताइए उस बात को, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए तेज तर्रार और काम करने पर मैं विश्वास करता हूँ, और मैंने पहले दिन से, जिस दिन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, उस दिन से मैंने एक अपने लिए ध्येय वाक्य अपने ऊपर उतारा है कि बोलना कम है, बातें कम करनी है और काम ज़्यादा करना है। जी जी, तो चलिए आपने अपना ध्येय वाक्य, ये भी आपने राज बताया कि ये वजह है कि अब आप काम पर आपका फोकस है, लेकिन आप ये बताइए कि वक्त बहुत कम है चुनाव के।